कहा जाता है कि बॉलीवुड में आपको सेट होने के लिए लंबा स्ट्रगल करना होता है, इसकी ढेरों मिसालें भी हैं। ऐसे में अगर एक्टर या एक्ट्रेस बनना हो तो काम थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफ़ी वक्त तो यही तय करने में निकल जाता है कि आप अपने करियर की गाड़ी किस और लेकर जाएंगे। लेकिन ऐसी कई सारी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने 20 साल की कम उम्र में ही फिल्मों में डेब्यू किया और कामयाबी की चरम सीमा पर पहुँच गईं। कैटरीना, करीना, प्रियंका, दीपिका, श्रद्धा कपूर में से सिर्फ आलिया भट्ट ही ऐसी हैं जिन्होंने 20 साल से भी कम उम्र में फिल्मों में डेब्यू किया और अपना लोहा मनवाया। 2012 में आलिया भट्ट ने करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बड़े पर्दे पर अपनी एंट्री की, तब वो सिर्फ 19 ईयर्स की थी। देखते ही देखते आलिया भट्ट आज देश की एक लीडिंग एक्ट्रेस बन गई हैं। आलिया भट्ट के अलावा कपूर खानदान की पहली बेटी करिश्मा कपूर भी हैं जिन्होंने 17 साल की उम्र में प्रेम कैदी फिल्म से अपना डेब्यू किया और वो कामयाब एक्ट्रेस भी बनी। करिश्मा कपूर जब फेमस हुई उसके साथ साथ एक और एक्ट्रेस का भी उदय हुआ जिनका नाम था दिव्या भारती। वैसे उनका काम लंबा नहीं चला लेकिन उन्होंने नेशनल पहचान बना ली थी अपनी, वो भी सिर्फ 20 साल की उम्र में ही। बॉलीवुड की दीवा माधुरी दीक्षित भी उन एक्ट्रेसेस में से हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपनी पहचान बना ली थी। 17 साल की उम्र में अबोध से उन्होंने डेब्यू किया था और तेजाब जैसी बड़ी हिट्स भी दुनिया भर में उन्होंने तहलके की तरह फैलाई थी। श्रीदेवी जो बाद में देश की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक बनी, आज भी उनका जादू सब पर छाया हुआ है। उन्होंने भी 13 साल की उम्र में तमिल और 15 साल की उम्र में हिंदी फिल्मों में डेब्यू कर लिया था। हिंदी फिल्म की एक्ट्रेसेस का इतिहास लिखा जाए तो वो रेखा के नाम के बिना अधूरा है। रेखा ने अपने काम से वो मुकाम पाया। रेखा ने भी श्रीदेवी की तरह सिर्फ 15 साल की उम्र में ही डेब्यू कर लिया था। इस लिस्ट में ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी भी हैं। जब उन्होंने फिल्म सपनों का सौदागर की तब वो सिर्फ 20 साल की ही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री।